जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपया मुकुपि वाचा लताम् पंगु पर्वत लंघने किल महा सामर्थ्य मे तीक्ष्णात् जनमान्धोऽप्यरविन्द सदृशदृशो द्वन्द्वं किमन्यत परम् वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिन्तामणि भक्तस्य जनार्दन महाप्रभु परमात्मा श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवी रो दर्शक बंधु आपण मानंकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि। पद्मनाभ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो नीलाचल धाम। नीलाचल धाम रे भगवान को जगन्नाथ आधार करी सर्वतीर्थ ये अच्छा तेणु धर्मशास्त्र अनुसार साढ़े तीन कोटी तीर्थ जगन्नाथ महाप्रभु को आधार करी ये अच्छा क्षेत्र में सेथिपाई पुरुषोत्तम महान क्षेत्र परम पावन क्षेत्र जत्रास्ते दारवतनु श्री सब मानुष लीलया जो क्षेत्र रे महाप्रभु इति स्वतंत्र भाव रे मनुष्य लीला करछन। ए तीर्थ मध्य रे जते तीर्थ अछि पंचतीर्थ को प्राधान्यता दिया जाए जो पंचतीर्थ मार्कंडेय बटे कृष्णे रोहिणियांच महोदध इंद्रदमुन सरेशनात्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये क्षेत्र रे मार्कंड बटेकृष्ण कहले श्वेतगंगा रोहिणी महोदधि इंद्रदमुन एवली भावरे पंचतीर्थंकु प्राधान्यता दिया जाइछि। ता भितरे महोदधि महोदधि टी होचंदे तीर्थराज तेणु तीर्थराज महोदधि महोदधि सब तीर्थर मिलन स्थल होती महोदधि तेणु तीर्थराज आज आम से महोदधि तीर्थराज महोदधि आलोचना करवा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहांकर प्रतीकात्मक देवता पतित पावन नारायण दर्शन दौंती भक्त मानू प्रातकालरु द्वारफिटा महाप्रभुंकर अनुष्ठित ही मंगल आरती
मंगल आरती परे तड़प लागी परे अवकाश तेणु जगन्नाथ महाप्रभु जो अवकाश नीति ये अवकाश नीति हूँ स्वतंत्र जगन्नाथ जहाकु तीर्थराज महोदधि आम कह त्रुधातु थक प्रत्यय है तारणार्थक तोरीबा पुलिंग है तीर्थ शब्द टी निष्पन्न हेले तीर्थ होता है किंतु तीर्थम हुए तीर्थ शब्द टी बहु अर्थ शब्द जहार अर्थ मुख्य अर्थ पुण्य शब्द टी तेणु पुण्य क्षेत्र बोली मध्य तीर्थ को कहा जाए विविध प्रकार संहितारे तीर्थ शब्द बहुल प्रयोग परिलक्षित हुए शास्त्र मानकरे तीर्थ मानकर तीन प्रकार श्रेणी विभाग थाए स्थावर जहाँकि पूरी अयोध्या आदि जंगम साधु महात्मा आचार्य आदि एवं तृतीय भागटी मानस क्षमा दया सत्य दान इत्यादि तेणु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए क्षेत्र रे तीर्थ होची स्वतंत्र विशेषतः ब्रह्मपुराण रे क्षेत्र व तीर्थर चित्रटी सुंदर भाव मिलुतिबा बेले स्कंद पुराण रे उपासना विग्रह तत्व जानी यात्रार समन्वय चेतन नाम को मिलथाय तेणु प्राचीन काल रे स्कंद पुराण अनुसार जाकी सत्पुरुष मुनि माने जेउठारे निवास करंती ताहा मध्ये तीर्थ पदवाच्य श्रीक्षेत्र रे अंगिरा भृगु कंडु मार्कंडेय आश्रम रही सुरक्षार तदारख पाई सुदर्शन आश्रम को जाई जहा मुख्या पुरुष यात्रा ही तीर्थ यात्रा अनुसंगत सतभि समाश्रित भूप भूमि भाग स्थतुच्यते तेणु महापुरुष मानक पाख को जीवा मुख्य थिला तीर्थ यात्रा तेणु तीर्थ जलाशय स्थल भाग रे होई पारे माने तीर्थ टी जलाशय रे होई परिवो स्थल भाग रे भी होई परिवो तेणु विविध प्रकार जो धर्मशास्त्र रही छि ये क्षेत्र रे पंचतीर्थ को प्राधान्यता दि जा पुरुषोत्तम क्षेत्र में तेणु सकल तीर्थ को भगवान ये रखिंट पाखे पंचतीर्थ सहित से कहा जाए सकल तीर्थ त्वचरणे बद्रिका जीवी की कार सकल तीर्थ सहित पंचतीर्थर प्राधान्यता मध्य स्वतंत्र महोदधि की मध्य तीर्थ ज्ञान करा जाइछि तेणु खाली तीर्थ नुह तीर्थ राज बोली कह जाइछि कौन जिमति महाद्वीप महाप्रसाद महोदधि प्राचीन पौराणिक काल रे सुमेरु पर्वतर कांचन श्रृंग रे माता श्रीदेवी जगत श्रष्टा श्री जगन्नाथ को
କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ମହୋଦଧି ଶବ୍ଦ ଉଦଧି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଉଦଧି ହିଁ ମହୋଦଧି। ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରଣୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମହୋଦଧି ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ। ଦକ୍ଷିଣ ମହୋଦଧି ତଟରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥିତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ନବଖଣ୍ଡରେ ଏ ସଂକ୍ଷେପ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ନାମର ବିସ୍ତାରେ ଉତ୍କଳ ନାମକ ଦେଶରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ମହୋଦଧି ତଟ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତରେ ପ୍ରକଟ ନାମୁଜା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ତହୁଁ ଜନମ ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଅତିବଡ଼ି ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ, ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧିକା ବିଦୁଷୀ ମୋହିନୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମହାତ୍ମା ବସୁ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନଦାନ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦର୍ଶନର ବିଧି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଷ୍କର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଫଳ ମିଳେ, ମାତ୍ର ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଫଳ ମିଳେ। କାରଣ ଭୂତଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଗର ହିଁ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ କୁହାଯାଇ କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥାନାମ ସାଗର ସରିତାମ୍ପତି ତସ୍ମାତ୍ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥେଭ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠୋସୌ ସର୍ବକାମଦମ୍। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେ ସେପରି ଅନ୍ଧକାର ନାଶ ହୁଏ, ସେହିପରି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହୋଦଧି ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶକାରୀ ତୀର୍ଥରାଜ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ଦାନ ହୋମ ଜପ ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନ ଯାହା କିଛି ବି କଲେ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାମଦେବ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ 2 କ୍ରୋଶ 4 ମାଇଲ ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ଅବଶିଷ୍ଟ 3 କ୍ରୋଶ ଭୂଭାଗରେ ସାଗରର କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା 4 ମାଇଲ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବାରୁ ସାଗର ହେଉଛି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି। ଶୃଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ଚାୟତମ ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶତମ 2 କ୍ରୋଶମ ସାଗରେ ପିସ୍ୟା 3 କ୍ରୋଶ ପୃଥିବୀ ତଳେ ସର୍ବେ ପୁଣ୍ୟ ହିମବତୋ ପୁଣ୍ୟାଚ ସର୍ବତଃ ସମୁଦ୍ରଗାହ ସମୁଦ୍ରାଶ୍ଚ ସର୍ବେ ପୁଣ୍ୟା ସମନ୍ତକ। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନଦ୍ୟାଃ ସମୁଦ୍ରଗାଃ ପୁଣ୍ୟାଃ ସମୁଦ୍ରାଶ୍ଚ ବିଶେଷତମ୍। ସମୁଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ତୀର୍ଥରାଜ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସବୁ ଜାଗା ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିକି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶ ମିଦମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ ସମୁଦ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ 2 କୋଶ ତୀର୍ଥରାଜସ୍ୟ ତଟଭୂମୌ ସୁନିର୍ମଳମ୍। ଏ 2 କୋଶଟି ହେଉଛି ତୀର୍ଥରାଜ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯମ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଏହାର ପରିସୀମା 5 କ୍ରୋଶ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ,
ତା ମଧ୍ୟରେ ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରର ତଟଭୂମି ଠାରୁ 2 କୋଶ ପରିମିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ। ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦେବ ମହାଦେବ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ପୂର୍ବକ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଅଛନ୍ତି। ସେହି ମହୋଦଧି ହିଁ ବାବା ଯମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ପୂର୍ବକାଳରେ ସମୁଦ୍ରର ପରିସୀମାଟି ବାବା ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିର କଥା ବିବିଧ ପୁରାଣରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର କହୁଛନ୍ତି କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ କହିଛନ୍ତି ଯତ ସମ୍ପର୍କାତ ସମୁଦ୍ରୋତ୍ତର ତୀର୍ଥ ରାଜା ତମାଗତ ଯଥାୟମ୍ ଭଗବାନ ମୁକତେ ପ୍ରଦୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଥମ ଗତାମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ କ୍ଷତ୍ରିହେ ତୟମେକୈକ ମୁକ୍ତି ସାଧନମ ତଥେଦମ ମରଣାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାନାତ୍ ବିମୁକ୍ତିଦମ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସର୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ରାଜା ସ୍ୱରୂପ, ସେପରି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ, ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ଉକ୍ତ 3 ଗୋଟି ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକ୍ତିର ସାଧନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି। 3 କୋଶ ଆୟତନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯତ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ପର୍ଶତୋ ବିପ୍ରା ସମୁଦ୍ର ତୀର୍ଥରାଜସୁତ କୃଷ ତ୍ରୟୋନ୍ନୀତ ଦୂତେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବାମଦେବ ସଂହିତା, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ସମାରଭ୍ୟ ଓଲାବୁକେଶ୍ୱରାବିଧି ଶଙ୍ଖାକାର ମହାକ୍ଷେତ୍ରେ ସାର୍ଦ୍ଧିକ କ୍ରୋଶ ବିସ୍ତରମ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାଗେନମ ସଦା ମୁ ସରିତାମ୍ପତି ମହୋଦଧିମିତି ଖ୍ୟାତ ତୀର୍ଥରାଜ ବନୋତ୍ତମ। ଏବଂ ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରତମ ସ୍ଥାନମ ଚକ୍ରତୀର୍ଥସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେ ପୁଣ୍ୟଦେବାଳୟମ ପୁଣ୍ୟମ ତାପସାଶ୍ରମ ବେଷ୍ଟିତମ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଅର୍ଥାତ ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ପୀଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଲାବୁକେଶ୍ୱର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ସିବା 1.5 କୋଶ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଭୂଭାଗରେ ଯାହାକି ସରିତପତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୈବପୀଠ 2 ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁପ୍ରାଚୀନ ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପରମ ପାବନ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅନନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମହୋଦଧି ସଂଜ୍ଞକ ପରମ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର
लवण सागर रे भगवान श्री विष्णुंकर प्रथम लीला अवतार मत्स्य रूप आविर्भाव होते तेणु प्रलय प्रियसी धातु सुप्त सगतेर मुखेभ्य श्रीमद भागवत एक कहु तेणु प्रलय कालीन समुद्र रे जेतेबेले ब्रह्मा सोई जाइथिले तांकर सृष्टि शक्ति लुप्त हो जाइथिला से समय रे तांको मुख निश्रुत श्रुतिमान को अपहरण करी हयग्रीव दैत्य शंखाकार पाताल को नहीं जाइथिला भगवान ताकु बद्ध करी श्रुति गुड़िकर उधार करी ब्रह्मा को प्रदान करथिले एवं राजर्षि सत्यव्रत और सप्तर्षि को ब्रह्म तत्व उपदेश देते से समस्त जगतर परम कारण मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करी तीर्थराज जो मैंने स्नान करते निश्चित भाव सकल पाप नाश हुए एवं ये तीर्थराज संपर्क पुराण रे तीर्थराज माँ लक्ष्मीकर हो पित्रालय केतक पुराण रे यही तीर्थराज महालक्ष्मीकर पित्रालय बापघर बोल कि वर्णना रही समुद्र मंथन समय रे देवासुर संग्राम बेले समुद्र गर्भरु माँ महालक्ष्मी जात होते तेणु तांको वरुण को कन्या समुद्र कन्या सागर कन्या बोली कई थाए तेणु भगवान का जो नेत्रोत्सव दिन आषाढ़ अमावास्या जो अणसर व्यतीत बर्षर अन्य एगार अमावास्या रे श्री नारायण विग्रह महाप्रभु थारु आज्ञामाल पाई पालिंकी विजय हुई स्वर्गद्वार को जाई थांती तीर्थराजोद कैस्तत्र नारायण मतपरम उसेरष्टाक्षरेण चार्चयेत वैत्रिकारत तेणु सेठारे तीर्थराज समुद्र कूल नारायण कोष्टाक्षर मंत्र कुश द्वारा तीन थर स्नान करापे जमेश्वर महादेव मंदिर निकट को जाई सेठार विराजमान कराई स्नान पूर्वक पूजा करा जाए तेणु पूर्व वर्णित होता प्रसंग जो जमेश्वर महाप्रभु सकल इंद्रिय संयम पूर्वक समुद्र तट को आश्रय करी श्री जगन्नाथ को उपासना करिबा निमित्त रही श्री नारायण सेठा को जमेश्वर को दर्शन देवाई आसती बेले बेले होती सकाशे महाप्रभु जगन्नाथंकर जाडीजात्रा आदि मानकरे प्रमुख उत्सव आदि और चलती प्रतिमा भाव मदन मोहन आज्ञा पाई लीला प्रसंग जा किंतु दोलगोविंद दोल जात्रा जाती एगार अमावास्या नारायण प्रतिमूर्ति आज्ञा माला पाई श्रीमंदिर आनंद बजार सिंहद्वार बालीसाही वाश दांड दे उग्रसेन आश्रम स्वर्गद्वार हो जमेश्वर महादेव हरचंडी साई मणिकुंडिका साई दे आसती तेरे पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र और पुरुषोत्तम मुक्तिदाता जहा जो क्षेत्र महात्म्य आस्ते तत्र जगदेव मुक्तिद पुरुषोत्तम क्षेत्राधिपति को दर्शन करिवार विधिर शब्द जेतेबेले भगवान को दर्शन करिवा पाई स्तुति करा जाए ता पूर्वरु तीर्थरे स्नान करिवार मध्य विधि अछि तीर्थ जल रे स्नान करी पवित्र मानसिकता रे पुरुषोत्तम को दर्शन कले सकल पाप क्षय हुए सही कथा मध्य कुआ जाइछि तीर्थराज जले स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तमम् स्वर्गे बसन्ति ते मर्त्या नतु ते राजशालये तेणु भगवान
महाप्रभु को दर्शन शास्त्रीय विधि परंपरा अनुसार पूर्व काल रे पुरुषोत्तम दर्शन व्यवस्था जो विधि परंपरा अनुसृत होता ता निश्चय शास्त्रीय परंपरा कल्पवटर दर्शन करी दक्षिणाभिमुखी हो गले मनोरम स्वर्गद्वार दर्शन करिवो। एठी गुरुत्वपूर्ण तथ्यटी होला जे उग्रसेन दर्शन करिवा पोरे तांको ठारु अनुमति नै तीर्थराज जलरे आचमन पोरे मानव सूचीबंत हुए। जो माने तीर्थराज को समुद्र को जानती से माने उग्रसेन को पाखरु मध्य अनुमति नै थांती एवं सूचीबंत होगा पर महाप्रभु को दर्शन करिवार अधिकार आसे। शारीरिक तथा मानसिक भाव में पवित्र नहवा पर्यंत महाप्रभु को दर्शन किसी मूल्य नाई। प्रथम तीर्थराज को दर्शन करिवार रहस्य होची विशालता को दर्शन करिवा जगत तत्व विशालतार आकलन करिवा। तेणु ये जो पुराण रे महोदधि और नारायण तत्व रही महोदधि स्नान पर सही स्थान रे निर्दिष्ट भाव रे श्री नारायण को स्मरण कर ब्रह्मपुराण स्कंद पुराण रे कहुचार। तार कारण हूँ श्री महाविष्णुंकर महोदधि थिला आलय पौराणिक परंपरा रे श्री पुरुषोत्तम को महाविष्णु रूपे ग्रहण करा जाई किंतु असमिन क्षेत्र महाविष्णु नत्यजेत क्वापिन्द्रजेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन देहमात्रं परित्यजेत। ब्रह्मपुराण वाक्यटी मुक्ति चिंतामणि ग्रंथर उद्धार करा जाइछि। तेणु महोदधि हेउछि महाविष्णु अर्थात श्री पुरुषोत्तम आलय। से कथा पंचरात्र वर्णन लक्ष्मी जी की तंत्र रे उल्लेख अच्छी। व्यतीत महाप्रभुंकर प्रतिनिधि भाव नारायण मध्य उवास जहाँकी कह जाए उवास तिथि स्वर्गद्वार को जा था। तेणु से दांडर नाम मध्य उवास दांड कारण महोदधि से दांड टिकी उवास दांड बोली कह जाए जीवा रास्ता टिकी रास्तार नाम उवास दांड। व्यवस्था मध्य नारदीय पुराण रे पंचरात्र विधान अनुसार पुरुषोत्तम उपासना करिबा पाई निर्देश करिचंदी। एतद व्यतीत मार्कंडेय पुराण वायु पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण एथिरे मध्य महोदधि तीर्थर वर्णना रही। पुराण स्वर्गद्वार महावीर मध्य कथा मध्य आसे। वामदेव संहिता अनुसार त्रेता युगर समस्त लीला शेष करी भगवान जेतेबेले रे वैकुंठ को जीवा पाई बाहर ले सेतेबेले रे भक्त महावीर प्रार्थना रे संतुष्ट होई कहिले उत्कल देश रे समुद्र तटे तुम्हें अवस्थान कर मु प्रत्येक अमावास्या रे तुम निकट को जाई दर्शन देवी। से स्वर्गद्वार रास्तार श्री महावीर मंदिर अद्यावधि विद्यमान अच्छी। तेणु हनुमान स्वतंत्र भाव रे महावीर जी की बसी होती मशाणी महावीर भाव में कह जाए तेनाली मशाणी महावीर मध्य श्रीक्षेत्र जहाँकि स्थान ठारू बोध हुए पूर्व काल रे तीर्थराज महोदधि थी आस्ते आस्ते संकुचित ही तो भौगोलिक स्थिति परिवर्तन नहीं थिले मध्य तीर्थराज महोदधि से स्थान थिबा पूर्व काल रे जहाँ जणा जाय थाए। एवं ये तीर्थराज महोदधि पुराण वर्णना ये बड़े चमत्कार प्रद कथा। स्वर्गद्वार ठारु आरंभ करी चक्रतीर्थ पर्यंत परिव्याप्त पवित्र स्थान को मध्य अन्यतम जहाँकि श्रेष्ठ तीर्थर मान्यता प्रदान करा जाएगी। तेणु से ही होती तीर्थराज
एवं पुरुषोत्तम समुद्र तट तीर्थ ही तीर्थराज भाव परिचित स्वयं पुरुषोत्तम शरीर रूपक ये शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र उदर भागटी समुद्र जल निमग्न एवं शखस्यादर भागस्तु समुद्रोकसस्तुत तेणु यह समस्त तीर्थर प्राधान्य लाभ करिछि। तेणु जगन्नाथ दर्शन श्रीक्षेत्र मरण व्यतीत महोदधि स्नान ये तीनोटी ये हूँ सबुठारु प्राधान्यता रही। तेणु तीर्थराज महोदधि स्नान कले प्रत्येक तीर्थ स्नान फल मिलता है। कहा जाए ब्रह्मपुराण रे महोदधि स्नान करी कूल को उठवा अक्षरी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा को प्रणाम करने उचित। एपरी कले मानव शहे अश्वमेध यज्ञ फल पाई सहित समस्त पाप और दुख रहित तो हो तेजस्वी एवं रूप जौवन संपन्न होता है। पाप विनाशकारी बहुदधि स्नान विधि विषय ब्रह्मपुराण विशद बरणी रही। तदनुसार मुनि को ब्रह्मा श्रीक्षेत्र ठारे समुद्र स्नान विधि विषय बुझाई से कही श्री नीलगिरीस्थ बटवृक्ष को प्रदक्षिण कर दक्षिण दिग को 1200 हाथ पर्यंत जा स्वर्ग द्वार रे पहुंच। यार अर्थ पूर्व काल रे महोदधि निश्चित भाव आउरी निकटवर्ती थिले। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर बटवृक्ष ठारु जो से 1200 हस्त परिमित कहा जाए से समय रे जेहेतु समुद्र आउरी निकटवर्ती थिले सेठारु तीर्थराज स्वतंत्रता रही। तेणु सेठारे उग्रसेन को दर्शन कर सागर तीर को जाई आचमन करने को निर्देश कर उग्रसेन ये प्राण पयान समय रे जो माने कष्ट पाती तांकर मुक्ति पाई उग्रसेन मंडपरे स्वतंत्र पणा भोग करी तांकु देले हौचंती से जीव मुक्ति हुए। तेणु से कथाटी कह जाए नोम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र न्यास करिवो या परे समुद्र रे मुंड बुड़ाई तीन थर अघमर्षण सूक्त जप करिवो। अघमर्षण सूक्त सह समुद्र स्नान कले परम पुण्य प्राप्ति हुए बोल कि यह हूँ धर्मशास्त्र वाक्य। तेणु से कथा ब्रह्मपुराण रे कहा हे मुनिगण अधिक कौन कह समुद्र रे स्नान करने को उद्यत होगा क्षणी मानवर पापराशि क्रंदन करने आरंभ कर दिंती अर्थात पाप मन को छाड़ जाए। अन्य तीर्थरे जदि किसी पाप होता है महोदधि तीर्थरे ताहा स्नान करने क्षणी विनाश हुए। तेणु क्रंदन्ति सर्व पापानि संभ्रांता सर्वपात काहा महोदधि स्नान करने को चिंता कले पाप सब कांदती अर्थात पाप छाड़ जाए। से हूँ तीर्थराज महोदधि एतत व्यतीत प्रभुंकर ये तीर्थराज महोदधि के आधार करी पंचोटी तीर्थ रही विशेष भाव कारण अनेक तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र रे थिले मध्य पांचोटी तीर्थ को अग्राधिकार दिया जाए। सेथिपाई ये तीर्थ जो माने करंती निश्चित तांकर पुण्य हुए
एवं पुण्य हवा सहित परलोक पुण्य हवा सहित परलोक वैकुंठ प्राप्ति हुए तेना वैकुंठ प्राप्ति हवापी महाप्रभु को आराधना करी जो माने ये क्षेत्र में बसवास करी विशेष भाव आध्य तीर्थराज महोदधि संपर्क महोदधि तटदेश जो माने उपासना करिवे ध्यान करिवे कि साधना करिवे से मानकर अक्षय होती सब पुण्य हम से साधना बहु शीघ्र सिद्धि हुए कहीं महोदधि जेहेतु सी गोटे हूँ तीर्थराज तीर्थराज सम्मुख भागरे साधना कले तत्क्षणात सिद्धि हम अनेक सिद्ध साधक माने महाप्रभुंकर से स्थान रे आसी सिद्ध साधना करिथांती सुप्त भावरे कारण भगवान को जी आराधना करे साधना करे ताकु कई देखिया दरकार नहीं केवल भगवान देखिवार अछि कारण भगवान कर कृपा पैंका से साधन कर आउ लोक किए देखिवा आवश्यक पड़ूनी से जो माने प्रख्यात साधक बड़ बड़ साधक माने से माने भगवान को किमिति केते बेले रे कोठि बसी डाकंती से कथा कई जानी परिबे नाही केवल भगवान कर आशीर्वाद पाई से माने थांते तेनु महोदधिटी महाप्रभु कर मध्य एभली स्थान जो स्थान की स्वतंत्र भाव रे से महोदधि रे कुल देश रे स्नान करी यदि सिटी तपस्या करा जाए मंत्र पुरस्चरण करा जाए कि यज्ञ दान जप तप इत्यादि करा जाए तबे ता होचंती अखंड पुण्य अर्जन हुए अन्य स्थान अपेक्षा प्रशस्त देव कार्य पाई प्रशस्त सेति पाई अनेक व्यक्ति माने मध्य रात्र पाइबा पूर्वरु आसिकिरि मध्य सेठी पहुंची पूजा अर्चना विविध समय रे करि थांती कारण आमे निजे देखिचु एवं किछि व्यक्ति मानकर भक्त मानकर सेठी मध्य पूजा अर्चना करिचु महोदधि कुल रे सेति पाई महाप्रभुंकर से जो प्रशस्त स्थान ये महोदधि ये गोटे हूँ स्वतंत्र स्थान सकल पाप ध्वंस ही श्रीमनारायण आशीर्वाद पाइबार प्रकृष्ट स्थान टी हूँ महोदधि तेणु महोदधि तीर्थरे ये जो पांचटी तीर्थ रहिला ये पांचटी तीर्थ भितरे मार्कंडेय बटेकृष्ण रोहिणेय महोदध इंद्रदमुन सरेशनात्वा पुनर्जन्म न लभ्यते तेणु महोदधि तीर्थटी सबुठारु गरिष्ठ मार्कंड प्रथम तीर्थ हेले मध्य श्री मार्कंड को दर्शन करी बटेकृष्ण श्वेतगंगा ये कि मत्स्य माधव श्वेत माधव एवं जहाँकि मुक्तिशीला ये सब स्थान सिटी रही परवर्ती पर्यायर रोहिणी तीर्थ रही रोहिणी तीर्थ को मध्य पंचतीर्थ स्थानित करेणु रोहिणी तीर्थटी जेहेतु श्रीमंदिर अंतर प्रदेश से अंतर प्रदेश को जा पुनर्वार आसी ता परवर्ती पर्यायर तीर्थराज महोदधि स्नान दान जप तप भल मंद यु कले मानव ये जीवन रु निश्चित भाव कृतार्थ हो वैकुंठ प्राप्ति हम एवं वैकुंठ प्राप्ति सहित
इंद्रदमुन सरे स्नात्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। इंद्रदमुन सरे स्नान कले आ पुनर्जन्म हब ना बोली कहुची से प्रभुंकर ये तीर्थटी हूँ महान तीर्थ। तेणु जाऊ आज तो समय जाइए भगवान कर दर्शन करने भक्त मान बेगरतार सहित चली। मो पाखरे मोर सहयोगी पंडित भजराम शतपथी से मध्य उपस्थित अच्छा मुझे अनुरोध करी महाप्रभुंकर परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रु सीधा प्रसारण जय जगन्नाथ टीवी जो चली धारा बरणी को से आगक ने। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।